जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इससे मैं खालसा कॉलेज देवनगर में पहुंच चुका हूं और यहां पर मेरे साथ काफी यूथ जुड़ चुकी है और काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहां पर पढ़ने आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कल एक सर्जिकल ऑपरेशन हिंदुस्तान ने चलाया पाकिस्तान के खिलाफ, उनका क्या कहना है, उनकी मन की बात क्या है। जो एक कल सर्जिकल ऑपरेशन चलाया गया एज एन यूथ, आपके मन की बात क्या है, आप क्या मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहुंचाना चाहते हैं? कल मोदी जी ने वो करके दिखाया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतनी जल्दी कोई फैसला ले लिया अपने देश के लिए। अगर लोग उनकी 56 इंच की छाती की बात करते हैं तो कल आप डेट भी देखिए 29/9/2016 और कैलकुलेट करेंगे 56 बनता है। कल उन्होंने 56 इंच का सीना दिखा दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान को हम यूथ बताना चाहते हैं, अगर हमारी हुंगार पाकिस्तान सुन लेगा वो वैसे ही डर के बैठ जाएगा और हमारे सैनिकों से तो कोई ऐसा पंगा ले गए मत ही ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको जड़ से उखाड़ना उनको आता है हमारी हिंदुस्तान की फौज को। जड़ा अटैक किया गया सर्जिकल अटैक पाकिस्तान नू और इंडिया ने जवाब दिता, करारा जवाब दिता, क्योंकि उरी सैक्टर 18 जवान शहीद हुए सी, उसके बाद एक अज अटैक किया गया, सर्जिकल ऑपरेशन चलाया गया पाकिस्तान के खिलाफ, तुहाडे मायने विच कितना कुछ खास सीगा इहदे विच? सर देखो मैं तो यह कहूँगा जिवें पाकिस्तान पहले भी साडे नाल पंगा लैंदा आ रहा है तो एक ना एक बार करना चाहिदा सी, नाले बनता वैसे हुण भी पाकिस्तान नू सोच समझ के ही अगला कोई स्टैप लेना चाहिए, उन्होंने बी अवेयर रहना चाहिए इंडियन आर्मी को, डैट सेट बाकी यूथ नाल हैगी। तुसी की मैसेज पहुँचाना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहना जो कर रहे ने बहुत गलत है, जो साडे इंडिया ने स्टैप उठाया बहुत वधिया स्टैप उठाया, पहला भी उठाना चाहिए सी, हुण उठाया, यह चेतावनी है पाकिस्तान नू कि हुण पहली वारी है, जे दूजी वारी करोगे तीजी वारी करोगे तुहानू तुहाडा एंड है। जिहड़ा अटैक पाकिस्तान ने उरी सैक्टर विच कीता सीगा उहदे बाद तुसी पाकिस्तान नू की मैसेज भेजना चाहुंदे, तुहाडे मन दी गल की है? मेरे मन दी गल आही है कि असी इंडिया वाले अज जदों घरे कोई गेम भी खेडदे लाइक क्रिकेट खेडदे आ ते असी अपने नाल दिआं नू स्ट्राइक तक नहीं दिंदे, ते तुसी साडे तों साडा देश विच कोई पार्ट किद्दां लै सकदे हो, असी इदां मतलब उहदे तुहानू अंदर नहीं बढ़न देंगे, तुहानू हाथ नहीं लाण देंगे। पाकिस्तान नूं तुसीं की जवाब देना चाहते हो? यही जवाब देना चाहते हैं कि देखो यूथ हर जगह है, यूथ चाहता डेवलपमेंट, यूथ डजंट वांट वॉर, तो यही है कि जे तुसीं हुण समझ जाओ जे बाद च देर होगी तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। एज एन यूथ तुसीं पाकिस्तान नूं की मैसेज पहुँचाना चाहते हो? सर देखो पहला तो ना की होंदा सी, वो एक्ट करते सी, असीं सिर्फ डिफेंड करते सी, हुण मोदी जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है जो रिएक्ट किया, हूँ तो यही होगा जो एक्शन करेंगे असी वो रिएक्शन जरूर देंगे, वी वोंट जस्ट डिफेंड ऑल द टाइम, वी विल ऑल्सो अटैक टू देम एंड इट्स अ फेयर थिंग, इफ वी आर नॉट डूइंग इट फॉर अस राइट दे आर डूइंग इट एंड वी आर गिविंग एन आंसर शुड बी गिवन टू देम सो दैट दे डोंट कम अगेन एंड अगेन एंड दे शुड नो दैट इफ वॉर सिचुएशन कम्स हियर इवन दे गोना फेस द लॉसेस, इट्स नॉट जस्ट अस हु आर गोना फेस द लॉस, सो एज सिंपल इज दैट गाइस, पाकिस्तान if they do it, if they're going to act, we will react and it's going to be the same like Modi ji did and we the youth of the nation are with Modi ji and it's like whatsoever it takes we're going to be there, we're going to fight with Pakistan, we're not going to get like our country affected from their actions. मैं जैसे कहना चाहूंगी कि जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, हमें पाकिस्तान वालों का जरूर सबक सिखाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें उन्हें जवाब देना जरूरी था, पाकिस्तान वाले सोच रहे थे कि इंडिया कोई जवाब नहीं दे सकती, तो जो भी मोदी जी ने किया वो बहुत ठीक किया। जड़ा अटैक मोदी जी ने कल किया, सर्जिकल ऑपरेशन जड़ा चलाया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान एक करारा जवाब दिता, तुहाडा की कहना? मैं पाकिस्तान एक गल कहना चाहूंगा, वो चक देंगे कट देंगे करो बाहर कट देंगे, जे हिंदुस्तान वाल अख भी चक्की तो जमीन अंदर गड देंगे।